अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वजीहास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ चिकन ड्रमस्टिक्स। आइए देखते हैं ड्रमस्टिक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी चिकन लॉलीपॉप्स। ये बहुत ही आसानी से किसी भी सुपरमार्केट्स में या मॉल्स में अवेलेबल रहते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से लॉलीपॉप्स आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप चिकन लॉलीपॉप्स अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। रेड चिली सॉस 2 टीस्पून, ग्रीन चिली सॉस 1 टीस्पून, डार्क सोया सॉस 2 टीस्पून, 1 egg, गार्लिक पेस्ट 2 to 3 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा 2 to 3 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 to 3 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, रेड फूड कलर जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्राइट कलर, एंड ऑयल फॉर डीप फ्राइंग। आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप इस तरह के चिकन लॉलीपॉप्स अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक चिकन विंग पीस है। इसी से हमें अपना चिकन लॉलीपॉप रेडी करना है। इस तरह से ऊपर की तरफ जो इसका मीट है उसे आप इस तरह से बोन से अलग कर लें, इस तरह से उसे कट कर लें बिल्कुल सर्कुलर मोशन में। ऊपर से आप इसे कट कर लें जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से उसे कट कर कर बिल्कुल बोन से आप मीट अलग कर दें। इस तरह से अच्छे से कट कर लेने के बाद आप जो मीट है उसे इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करें, उसे इस तरह से नीचे की तरफ पुल करें। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर भी आप यहाँ पे इसे पुल ना करें। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा चिकन लॉलीपॉप बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ यू मेक चिकन लॉलीपॉप, वेरी सिंपल। आइए सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 1/2 टीस्पून, अब मैं इसमें ऐड करूंगी डार्क सोया सॉस तकरीबन 2 टीस्पून, रेड चिली सॉस 1 टीस्पून, लास्टली अब मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रीन चिली सॉस 1 टीस्पून। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। आप बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स करके इसे आप मैरिनेशन के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। आइए अब हम हमारा सेकंड मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। एक बॉल में यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 1 egg। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून, रेड चिली सॉस 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा तकरीबन 2 1/2 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 1/2 टीस्पून, एंड रेड फूड कलर।
इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमें यहाँ पे इसका एक बैटर तैयार करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं यहाँ पे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करके आप इसका बैटर रेडी कर लें। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख ले यहाँ पे, बिल्कुल इस तरह का बैटर आपको तैयार करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, बैटर भी हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम हमारे ड्रम से डीप फ्राई करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैं यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख देती हूँ। आइए देखते हैं, तेल हमारा गरम हो चुका है यहाँ पे। आइए अब हम इसमें अपने चिकन ड्रमस्टिक डीप फ्राई करते हैं। इस तरह से आप ड्रमस्टिक के पीसेस ले लें और इसे बैटर में डिप करें। जो बैटर हमने रेडी किया है उस बैटर में इसे अच्छी तरह से डिप कर आप इसे ऑयल में डालें। बिल्कुल इसी तरह से आपको अपने ड्रमस्टिक फ्राई करने हैं। इस तरह से आप ड्रमस्टिक पीसेस लेके इसे बैटर में अच्छी तरह से डिप कर लें, इसकी अच्छे से कोटिंग कर लें और इसे इस तरह से ऑयल में डालें। इसी तरह से आपको अपने सारे चिकन ड्रमस्टिक्स फ्राई करने हैं, बैटर में डिप करते जाएं और ऑयल में डालते जाएं और अच्छी तरह से इसे दोनों साइड से टर्न कर आप इसे फ्राई कर लें। बिल्कुल गोल्डन कलर के होने तक आपको इन्हें फ्राई करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चिकन ड्रमस्टिक्स बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली गोल्डन कलर के फ्राई हो चुके हैं। आइए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको अपने ड्रमस्टिक फ्राई करने हैं। हमारे चिकन ड्रमस्टिक्स बिल्कुल रेडी हैं। आइए अब मैं आपको इन्हें डिश आउट कर बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चिकन ड्रमस्टिक्स बिल्कुल रेडी है। जैसे कि आपने देखा, इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ड्रमस्टिक आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज होममेड इज़ बेस्ट। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा ये रेसिपी। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आएँ तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और देखते रहिए वजीहास किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।